Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2009 की इटालियन फिल्म विंसेरे के बारे में, जो बेनीतो मुसोलिनी की पहली पत्नी ईदा दलसेर की जिंदगी पर आधारित है, जिसके बारे में दुनिया जानती ही नहीं थी। 1907 के दौर में मुसोलिनी एक जर्नलिस्ट और सोशलिस्ट हुआ करता था, और तब उसे स्पीच देते हुए ईदा दलसेर ने देखा। स्पीच के दौरान मुसोलिनी ने कहा कि वो भगवान को चुनौती देता है और अगले 5 मिनट में अगर उसकी मौत नहीं हुई तो भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं, और 5 मिनट होने पर उसने कह दिया कि भगवान होते ही नहीं। उसकी ऐसी सोच से हर कोई उससे नाराज हो गया, सिवाय ईदा के, जिसे उसकी स्पीच सुनकर उससे प्यार होने लगा। उस दौरान इटली में सोशलिस्ट पार्टी के लोग सरकार का विरोध कर रहे थे, क्योंकि इटालियन सरकार यूरोपियन ग्रेट वॉर में हिस्सा ले रही थी और सोशलिस्ट पार्टी अमन और शांति चाहती थी। ईदा मुसोलिनी को इस विरोध का हिस्सा बनते देख रही थी और उसे हर वक्त बचाने की कोशिश कर रही थी। इस तरह उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। उन दोनों के अफेयर को शुरू हुए 7 साल बीत गए और इस बीच मुसोलिनी की सोच बदल गई। जो आदमी अमन की लड़ाई लड़ रहा था, आज चाहता है कि इटली वॉर का हिस्सा बने, और हर वक्त उसके दिमाग में तबाही और वॉर घूमती रहती है। उसकी इस सोच की वजह से उसे सोशलिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया। ईदा अब भी उससे बेहद प्यार करती थी, चाहे उसकी सोच पूरी तरह बदल गई हो। वो हर कदम पर उसका साथ देना चाहती थी और वो ये देखकर खुश थी कि मुसोलिनी कामयाबी के पीछे पागलों की तरह दौड़ता रहता है। मुसोलिनी ने सोच लिया था कि वो अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक न्यूज़पेपर कंपनी शुरू करेगा, और एक रात उसे पता चला कि उस कंपनी को फाइनेंस करने के लिए ईदा ने अपना सब कुछ बेच दिया है और वो सारे पैसे मुसोलिनी को देना चाहती थी। मुसोलिनी ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया, पर जब ईदा ने कहा कि वो इसे उधार समझ कर ले ले तो मुसोलिनी मान गया और उसने कहा कि अब उन दोनों को शादी करनी पड़ेगी। उन दोनों ने शादी तो कर ली, पर इस बारे में किसी को पता नहीं था। कुछ वक्त बाद उसका न्यूज़पेपर आग की तरह पूरे इटली में फैलने लगा। जैसे जैसे मुसोलिनी को लोग जानने लगे, उसकी जीतने की चाह बढ़ती गई और उसने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बदलकर फासिज्म या तानाशाही की सोच अपनाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद ईदा ने मुसोलिनी को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। वो दोनों इस खबर से खुश थे, पर फिर मुसोलिनी के साथी ने ईदा को जबरदस्ती वहाँ से बाहर निकाल दिया और उससे कहा कि वहाँ रेचल आ रही है। ईदा नहीं जानती थी कि रेचल है कौन, पर फिर उसे पता चला कि रेचल मुसोलिनी की पत्नी है और उन दोनों की एक बेटी भी है। ईदा फिर भी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी, चाहे मुसोलिनी का पागलपन कितना ही बढ़ गया हो। कुछ वक्त बाद ईदा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने बेनीतो मुसोलिनी ही रखा। पर मुसोलिनी कई सालों तक उन दोनों से दूर रहा। एक दिन ईदा को खबर मिली कि वॉर में मुसोलिनी घायल हो चुका है, और ईदा उससे मिलने हॉस्पिटल चली गई, जहां रेचल भी मौजूद थी। रेचल और ईदा के बीच लड़ाई हो गई और ईदा मुसोलिनी के आगे उनके बेटे को अपनाने की भीख मांगती रही। मुसोलिनी ने ईदा को अपनाने से इनकार कर दिया और उसे एक पागल औरत कहकर वहां से भगा दिया। उसके ऐसा करने से ईदा परेशान हो गई और अपने बच्चे को गरीबी से बचाने के लिए मुसोलिनी का फैसला बदलवाने की कोशिश करती रही। पर उसकी हर कोशिश नाकामयाब रही। उसने मुसोलिनी के अलावा गवर्नमेंट और पुलिस के कई लोगों को चिट्ठियां लिखी, पर किसी ने उसकी चिट्ठियों को जवाब नहीं दिया। 1920 में वॉर खत्म हुई और ईदा और उसके बेटे को ईदा की बहन एडेलिना और उसके पति रिकार्डो के घर ले जाया गया, पर ईदा वहां से भागने की कोशिश करने लगी और इसलिए उसे कड़ी निगरानी में रखा गया। उस पर और एडेलिना के परिवार पर हर वक्त नजर रखी जाने लगी, और इस बात से वो सारे लोग परेशान हो गए। मुसोलिनी इटली का प्रेसिडेंट बन गया और इटली अब उसके रूप में डिक्टेटरशिप का गुलाम हो गया। रिकार्डो ईदा को समझाता रहा कि उसे हर रोज मुसोलिनी को चिट्ठी लिखना बंद करना होगा और किसी और आदमी से शादी करनी होगी, पर ईदा मुसोलिनी के अलावा किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। रिकार्डो ने बताया कि धीरे धीरे पूरा इटली फासिस्ट बन रहा था, जिस वजह से कोई किसी और के बारे में नहीं सोचता और हर कोई मुसोलिनी का दीवाना हो चुका है। वो चाहता था कि ईदा ऐसी हरकतें करना बंद करे, क्योंकि इन्हीं हरकतों की वजह से वो अपने बेटे को खो देगी। पर ईदा का कहना था कि वो मुसोलिनी का वारिस है और वो अपने बेटे को उसका हक दिलवा कर रहेगी। वो हर रोज ये सपना देखती थी कि मुसोलिनी उसे अपना कर दुनिया के सामने उससे शादी करेगा, पर असलियत उस सपने से बिल्कुल अलग थी और अब वो अपनी असलियत बदलने की कोशिश करने लगी।
वो छुपकर एक दिन अपने घर से बाहर निकली और मुसोलिनी के सामने जाने की तैयारी करने लगी। पर मुसोलिनी के ऑफिस पहुंचने पर उसके सामने मुसोलिनी का साथी पियत्रो आ गया और उसने उसे पकड़वा दिया, जिसके बाद ईदा को बुरी तरह पीटकर उसे पागल करार कर दिया गया। वो लोग ईदा और मुसोलिनी के शादी का सर्टिफिकेट तबाह करना चाहते थे, पर वो सर्टिफिकेट ईदा ने एक ऐसी जगह पर छुपा दिया था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। ईदा को पागल खाने में डाल दिया गया, जहां कोई उसकी इस बात का भरोसा नहीं कर रहा था कि वो मुसोलिनी की पत्नी है। मुसोलिनी के लोग अगले दिन पुलिस वालों के साथ रिकार्डो के घर आए और जबरदस्ती बेनीतो को अपने साथ ले गए। एडेलिना और रिकार्डो अपनी लाख कोशिशों के बाद भी उन लोगों को रोक नहीं पाए। ईदा अब भी ये मान रही थी कि मुसोलिनी सिर्फ उसकी परीक्षा ले रहा है और वो अपनी बात उस तक पहुंचाने की कोशिश करती रही, पर दुनिया अब उसे पागल ही मान चुकी थी और दूसरे बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। उसकी चिट्ठियां भी कोर्ट तक पहुंचने नहीं दी जा रही थी और ना ही उसे उसके बेटे से मिलने दिया जा रहा था। एक दिन बर्नार्डी नाम का एक आदमी एक चिट्ठी लेकर उसके पास आया जो बेनीतो ने ईदा के लिए लिखी थी, पर उस चिट्ठी में उसका नाम बेनीतो दालसर लिखा था और ईदा समझ गई थी कि जबरदस्ती उसके बेटे से ये लिखवाया गया है, क्योंकि उसका बेटा अपना नाम बेनीतो मुसोलिनी लिखता है। बर्नार्डी ने तब बताया कि उसने बेनीतो की कस्टडी अपने नाम कर ली है और ये जानकर ईदा उस पर और डॉक्टर कैपेलेटी नाम के एक साइकियाट्रिस्ट पर चिल्लाकर उन्हें चोर बुलाने लगी। ईदा से उसका सब कुछ छीना जा रहा था और कैपेलेटी ये बात समझ चुका था, इसलिए उसने ईदा से अकेले में बात करने का फैसला किया। उसने ईदा को समझाया कि वो सच्चाई को बाहर लाने की सोच रखती है और ये सोच गलत नहीं, पर सच्चाई दुनिया को बताने का उसका तरीका गलत है, इसलिए उसे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। ईदा का कहना था कि जिस आदमी को उसने अपना सब कुछ दे दिया है, उसने आज उसकी पहचान दुनिया के सामने मिटा दी है और इसलिए वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकती। कैपेलेटी को धीरे धीरे समझ आने लगा कि ईदा असल में पागल नहीं है और बस अपने बच्चे को उसका हक दिलवाना चाहती है, पर वो इस बारे में कुछ कर नहीं सकता था। बर्नार्डी ईदा को सचमुच पागलपन की ओर ढकेलने की कोशिश कर रहा था और हर रोज उसे हॉस्पिटल में टॉर्चर करवाया जा रहा था, पर उसकी ये चाल कामयाब नहीं हो रही थी, क्योंकि ईदा अब भी अपने आप को मुसोलिनी की पत्नी बताने से पीछे नहीं हटी। उसे डॉक्टर्स ने एक दिन कहा कि उसकी इस बात को सच माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि कोई लीगल कागज नहीं है जो ये साबित कर सके कि मुसोलिनी ने उससे शादी की है। वो लोग जबरदस्ती उससे कहने लगे कि उसे ये कबूल करना होगा कि उसने झूठ कहा था और सिर्फ यही रास्ता है जिससे वो इस पागल खाने से बाहर जा सकती है। ईदा ने फिर भी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि उसे कभी उस पागल खाने से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा और ये सब कुछ पहले से उन लोगों ने प्लान किया था। अपनी लिखित चिट्ठियों के बीच एक कमरे में ईदा को रखा जाने लगा और दूसरी ओर वहाँ से दूर एक हॉस्पिटल के एक कमरे में बेनीतो को अकेला रखा जाने लगा। बेनीतो की कस्टडी अब बर्नार्डी के हाथों आ गई थी और वो अपने पिता से नफरत करने लगा था। वो चिल्ला चिल्ला कर एक रात कहने लगा कि वो मुसोलिनी का बेटा है और वहाँ मौजूद नर्स की बात सुनने से भी उसने इनकार कर दिया। 3 सालों से ईदा ने अपने बेटे को नहीं देखा था और वो हर किसी से गिड़गिड़ाकर कहने लगी कि वो उससे मिलना चाहती है, पर कोई भी उसे उसके बेटे से मिलवा नहीं रहा था। ऐसे ही वक्त बीतता गया और एक तरफ जहाँ रेचल मुसोलिनी के घर में आलीशान जिंदगी जी रही थी, तो दूसरी तरफ ईदा पागल खाने में अपनी आधी जिंदगी बिता चुकी थी। बेनीतो अब बड़ा हो गया था और अपने पिता की तरह ही दिखने लगा था। वो अपने पिता का मजाक उड़ाता था, पर रिकार्डो को एक दिन पता चला कि बेनीतो की दिमागी हालत थोड़ी सी कमजोर है और ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो समझ गया कि सालों तक बेनीतो को भी टॉर्चर किया गया है। बेनीतो रिकार्डो से सालों बाद मिल रहा था और उसने अपनी लिखी चिट्ठी रिकार्डो को दे दी और कहा कि वो चिट्ठी वो उसकी माँ तक पहुँचा दे। रिकार्डो ने वो चिट्ठी एक नर्स को दी, जिसने ईदा तक वो चिट्ठी पहुँचाई और उससे कहा कि वो चिट्ठी को छुपा दे ताकि किसी और को इस बात की खबर ना मिले। उस रात वो चिट्ठी पढ़कर नर्स को ईदा के लिए बुरा लगने लगा और उसने फैसला कर लिया कि वो एक बेटे को उसकी माँ से मिलवाएगी। उस रात उसने ईदा को अपने कपड़े देकर वहाँ से भाग निकलने में उसकी मदद की और बिना किसी रुकावट के ईदा भाग निकलने में कामयाब हुई। जंगल के रास्ते से भागती हुई वो अगली सुबह अपनी बहन के घर पहुंची और सालों बाद अपनी बहन को देखकर एडेलिना अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसकी बहन ने उसे बताया कि बेनीतो एक सेलर बन चुका है और ये बात जानकर ईदा फिर से पागल खाने जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि अब वो जानती थी कि उसका बेटा बेहतर जिंदगी जी रहा है। पर जब उसे लेने पुलिस वाले वहाँ आए तो ईदा के सपोर्ट में पूरे शहर के लोग आ गए और उसकी आज़ादी की मांग करने लगे। पर क्योंकि मुसोलिनी ने अपनी तानाशाही से पूरे इटली को अपना गुलाम बना लिया था, कोई ईदा की मदद नहीं कर सकता था। ईदा सिर्फ अच्छी यादें लेकर बची हुई जिंदगी जीने लगी।
पर वो ये नहीं जानती थी कि उसका बेटा अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और एक पागल खाने में उसे डाल दिया गया है। अंत में ईदा की मौत 1937 में हो गई और उसके और मुसोलिनी की शादी का सर्टिफिकेट कभी किसी को नहीं मिला। बेनीतो की 26 साल की उम्र में ही उसी पागल खाने में मौत हो गई और अपनी माँ की ही तरह बिना नाम की कब्र में उसे दफनाया गया और उन दोनों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला और आखिरकार 1945 में मुसोलिनी का खून कर दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।